फतेहगढ़ पुलिस ने केशवजी सर्विलांस और मोहम्मदाबाद की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है और इनके कब्जे से कुल 31.94 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है और इन तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है गौरव पाठक उर्फ माया जो कि मैनपुरी बेवर का रहने वाला है, सीलू खान पुत्र भूरे खान ये भी मैनपुरी का रहने वाला है और तीसरा साहूकार पुत्र प्यारे लाल ये इटावा का रहने वाला है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से ये अवैध गांजा बरामद किया गया है और साथ में जो गाड़ी जिसमें ये तस्करी कर रहे थे उस गाड़ी हुंडई गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है और गाड़ी की कीमत लगभग 11 लाख बताई जा रही है और जो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है उसकी कीमत लगभग 3,19,000 बताई जा रही है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का घटना स्थल है इसीलिए अभी वहां पंजीकृत किया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जो भी संसाधन उपलब्ध है उसके मुताबिक पूछताछ किया गया है और पूछताछ को अन्य तथ्यों से जोड़कर इसमें गहनता से और भी सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और जो लोग भी सम्मिलित हैं उनके नाम उजागर होंगे, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही। सर भागने में भी कोई कामयाब रहा है? नहीं, अभी तक इनके पूछताछ जो लोग वहां मौके पर थे उसे पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन इस जो क्रियाकलाप है इनके इनमें कोई और भी शामिल हो सकता है, पूरे सप्लाई चेन में कोई और भी शामिल हो सकता है उसके बारे में पुलिस पता लगा कि उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।